जनानी ने किस तरह ठेका दाखिल कर दिया, किस तरह लेकर बग्गी आए, किसे जनानी की हिम्मत नहीं है हाथ लाने की। पैसे खा रखे हैं, वो चलो पीछे खा रखे हैं, पुलिस ने मेरा लाल ने बैठ गए, पुलिस ने पीछे खा रखे हैं। बॉडी को जब देखा ना तो उसका पर्दा पे निशान है जी, ये एज ए सोचा समझा हुआ मतलब मर्डर है। और मेरे बेटे दो बेटे हैं, 127 से जी, अभी नौकर लगे था, लटर आया था इसका जी, अभी 2 महीने पहले लटर आया था जिसका जी, लड़के का जी, बहुत बढ़िया लड़का जी, सही था जी, वहाँ लड़का खुद दिखते जी, गांव में पढ़ाई आई टी करके जी, इसमें लड़का है जी, आई टी करके जी, अच्छा जी सरकार नौकर लगे पैसे पे स्कूटी गाड़ी में जी, पीजीआई में जी भी ड्यूटी मिले लगने था जी, तेरे जी आ रहा था जी, लटर आ गया था जी, बाबू जी एक हमारे सड़क के ऊपर सर्विस स्टेशन है वहाँ कई बंदे बैठे हैं जी, कई बच्चे बैठे हैं जी, वो कॉपी पीते हैं, सारा कुछ करते हैं जी, घर से जी एक बीच पर रोटी खा गया जी, घर से कल गए जी, रोटी खा गया जी, मैं सही जी मैंने फोन करा, आप मेरी शादी है जी, मेरी 6 तारीख की गुड़िया, मेरी साडू की लड़की की शादी है बाबू जी, मेरे शादी की लड़की शादी है, मेरी बेटी शादी है, मेरी बेटी भगवान ने प्यारी होगी थी, ये मेरी बेटी शादी थी, मेरे उस पर सॉरी पे मैंने पहले मरे पड़े सॉरी मरे सॉरी मेरी बेटी मेरी बेटी छह अप्रैल की शादी है जी, छह अप्रैल साडू लड़की की इतनी खुशी खुशी थी, साडू लड़की की शादी छह जाना था जी, और मेरे बेटा ब्याह पास मार दे पहले मारना था मेरे तक कर ले वहाँ कुछ करना था कैसी रे उस सर्विस स्टेशन बदल है मेरे बेटा मारे कौन करा मेरे बेटा है जी है जी, वो तो लगाई था बैग जो लगाई है जो लगाई पकड़ रखी है कैमरा मैरी लगाई जो कल थाने बैठी थी वहाँ भी पूरा बैठी जाके बैठी मेरा कहा छोड़े मना छोड़े जी मैं बात मेरे बेटा लिया तो मेरा कहा छोड़े मना छोड़े मैं बात मेरे बेटा लिया ठीक है मैं होता है किधर बेटा मर गया मैंने सबर कर लिया मैंने कुछ नहीं बेटा मर गया तुम ये मर लग रहा जी पर दो जा लिए मेरी छोरी जा ली भाई छोरी जा ली छोटा का एक ही परिवार दोनों एक कट्टे मरते भाई जी मैं बहुत बढ़िया परिवार है छोटा भाई बहुत परिवार तो बढ़िया ये कहता थी ये दोनों कमान लग रहे थे बढ़िया हुआ था ये मेरे बेटा ठाके नहीं गए मेरे कुछ लगाई ना मेरे यार अरे मैं खुद देखा मैंने अब मेरा कहा छोटा हुआ आप बता देगी हुआ नाम मैं क्यों धरू नाम तो कुछ रहेगी नाम तो मैंने बेरा मैंने मैं कुछ क्यों काम कर पैसा रहा मैं काम कर पैसा रहा जो खाली सरकार करेगी नहीं नहीं बाहर के लगाई है कत्ल की है वो कल शाम भी वही थी साल में जो इसको लेके आई है नहीं लड़के ले गया इसको लेडी लेके आई है सब लड़की लेडीज पकड़ी है जो कमरे में आई है ये कौन सा स्टॉक पड़ा कौन सा होटल पड़ा है उसमें थी है कैपरी कैपरी कौन सा कैपरी कौन सा कैपरी होटल खुलिया उसमें 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 बुलाया लड़का पुलिस थाने में थे जी हुए मैंने ये बताओ कि मारा क्यों है मैंने ये मेरा क्यों है उस लगाई लड़के तो फंस सजा होनी चाहिए मैंने सजा सीखी है मैंने खुद सीखी है तरसेम नाम है मेरा आप क्या नाम करते हैं मैं मिस्त्री हूँ जी रेडी करता हूँ जी रेडी करता हूँ मजदूर करता हूँ जी पहले मैं तो एक लड़का बाद मेरे काम पे साइड में कुछ लड़का गुजर गया था जी 8.5-10 लगता था उसके चेहरे हो जी मैं वो देर घर चेहरे भोगता है जी मेरे लड़का क्या छोटे छोटे दवाई बूटे दवाई सब कुछ सब खत्म हो गया उसके बाद जी आज तक मेरी जिम्मेदारी उतरी उसकी जी आज तक मेरा उतरी मेरी जात उसकी जी हाँ जी नवंबर में 22 नवंबर में 21 साल लगाया था सड़क पे उसने सर्विस स्टेशन पे काम करा था गाड़ी गुड्डी धोवा था बस जानते साथ वो चाह पी के गया 3 बजे का फोन आ गया तो छोरा तो बोलिया अभी ले तो गाड़ी साफ कर दे दूसरा भाई तो बोलिया मेनू का जाम फोन है गया मेरा मैंने पट्टी भी लिया मारा दौर आ गया जी 3:30 3:30 बजे जी फोन 3:30 बजे फोन गया नुगा भाई आपका लड़का ना चक्कर आ गया कोई चक्कर नहीं आया जिस दुकान में लिकड़िया दुकान में लिकड़ दे बाहर गली सड़क पर डा पड़ा और उस जनानी ने किस तरह ठेका दाखिल कर दिया वह किस तरह लेकर बग्गी आए किसे जनानी की हिम्मत नहीं है हाथ लाने की उसने किस तरह कर दिया मैंने कोई नहीं मिला जी मेरे तो देखने भी नहीं दिया जी मैंने वापिस लेके आपको किस पर शक है कोई शक है किसी पर आए बता देंगे जी सब बतावेगी जी सब बात जनानी बतावेगी जिसकी किरदार मैं कोई कोई ना
उनका तो खून मुंह लग गया, मैं बदला लेऊंगी। इंसाफ चाहिए मैंने, रात का यहाँ पर है जी। जो इसको लेडीज लेके आई थी वो ये बोल रही थी इसको अटैक हुआ है, लेकिन हमें पता चला है जी, हमने आज इस बॉडी को जब देखा ना तो उसके पर्दा पे निशान है जी। ये एज ए सोचा समझा हुआ मतलब मर्डर है, और इसमें कहीं ना कहीं खाकी पर भी हमें दाग मतलब वो हो रहा है भाई, खाकी भी इनसे मिली हुई है जी भाई। रात की इन्होंने कार्रवाई नहीं की हुई है अभी तक, वो तो जब हमने मतलब उठाया इस बात को भाई, हम इसकी कार्रवाई मांगते हैं भाई। इसको मतलब देखो आप भाई, पोस्टमार्टम आप करने लग गए, आप तो काट पीट के दे दोगे जिले, जो संस्कार कर दो इसको। संस्कार करने के बाद हमें क्या मिलेगा जी? हम तो मतलब ये चाहते हैं प्रशासन से, और हाथ जोड़ के हमारी रिक्वेस्ट है कि भी इसको मतलब अच्छी से ठोक बजा के और अच्छी से सख्त कार्रवाई करी जाए। जो इसके पीछे है एक 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 वहाँ पे लेडीज है और एक लड़का है, वो थाने के अंदर है, वो अभी ऐसे बिठा रखे हैं जैसे कोई इन्होंने चोरी कर रखी है, मतलब मर्डर का केस है। हम CIA से इसकी जाँच चाहते हैं भाई, ताकि अच्छी से अच्छी इसकी SP साहब से DC साहब से हमारी दरख्वास्त है कि उनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। चोट मार के मारे, और जो कैफे संचालक है जी, चोट मार के मारे गया। कंप्लेंट किसके खिलाफ दे रखी है आपने? देखिए कंप्लेंट रिटन में कंप्लेंट अननोन है सर, हमने अननोन दे रखी है जी, अभी अननोन दे रखी है। अभी हमारे वो CCTV से देखने के लिए 10 बंदे गए हुए हैं, जैसे ही वो आते हैं आगामी कार्रवाई हम करेंगे जी। क्या करेंगे हम, क्या नहीं, उनके आने के बाद ही करेंगे। और प्रशासन से हमारी उम्मीद है कि वो भी अपनी देख के ज़्यादा से ज़्यादा सख्त से सख्त कार्रवाई करें उनके खिलाफ। और जो मृतक है हमारा बणजा, उसके ना पर्दे पर निशान है, पुलिस चोट मारी गई है। पुलिस पहले कह रही थी जी इसको तो अटैक हुआ है, ये पुलिस का भी कहना था, जो उनको मतलब बोला गया है लेडीज है, लेकिन वो लेडीज जो वहीं मौके पर कैफे चलाती थी, कैफे के अंदर थी वो, जहाँ पर ये सारा काम हुआ है, एज ए मर्डर हुआ है। तो हमारी प्रशासन से अपील है कि वो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए उनके साथ। एक लड़का है प्रभात नाम का, 22 साल उसकी उम्र है, तो उसकी डेथ हुई है, तो अभी पोस्टमार्टम हुआ नहीं है। घर वाले अभी एप्लीकेशन दे रहे हैं, तो कुछ लोग अभी देखने के लिए गए हैं, कोई फुटेज में कहीं रोका था लड़का, तो वहाँ पे फुटेज निकलवाई जा रही है, उसका अवलोकन किया जा रहा है। जैसे भी एप्लीकेशन होगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। परिवार वालों को रोपाई चोट लगी है? हाँ, तो वो कॉज ऑफ डेथ जो है वो पोस्टमार्टम के बाद ही क्लियर होगा। आज पोस्टमार्टम करा के और एप्लीकेशन लेके जैसे भी एप्लीकेशन लगाएंगे उसके हिसाब से आगामी कार्रवाई करेंगे। सर बताया जा रहा है कि महिला भी है इसके अंदर, कोई पकड़ी है? महिला का भी एंगल है, जो भी है कॉज ऑफ डेथ कैसे हुई है, लड़का कैसे मरा है, कोई फाउल प्ले है, कोई इसमें और दोषी है, मारा गया, जैसे भी इन्वेस्टिगेशन में आ जाएगी बात। महिला को पकड़ा गया है सर? हाँ, वो भी उसमें जारी है जाँच हमारी। बोर्ड से हाँ बोर्ड से भी करा देंगे पोस्टमार्टम उसका, तो जैसे एप्लीकेशन देंगे बोर्ड से उसका पोस्टमार्टम हो जाएगा, कॉज ऑफ डेथ क्लियर हो जाएगा, और लड़का कहाँ का मूवमेंट किया, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, वो सारे की सारे विषयों पर तफ्तीश की जाएगी। फिर क्या कैफे वाले पे कार्रवाई होगी जिस प्रकार से? देखिए कैफे वाले का रोल, कैफे वाले का क्या रोल है वो भी इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, कि कैफे वाले ने कहा उसमें क्या रोल है, क्या इन्वॉल्वमेंट है, अब उसका रोल होगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। नहीं, नाम तो उसका कैफे है, लेकिन अंदर बेड वगैरह लगे हुए हैं जिस प्रकार से कैबिन बने हुए, वो देखिए वो एक वायलेशन करना भी कैफे में बेड लग सकता है नहीं, वो एक अलग मैटर है। मर्डर केस में उसकी क्या इन्वॉल्वमेंट है, अगर मर्डर है तो वो एक अलग विषय है, उसके इन्वेस्टिगेट करेंगे। CCTV फुटेज सर मिल गई? CCTV फुटेज मिल गई, उसको अवलोकन कर रहे हैं।